समय तो यूं ही बीत जाता है, समय को जाने में कहां देर लगती है, घंटे दिन में परिवर्तित हो जाते हैं, दिन हफ्ते में परिवर्तित हो जाते हैं, हफ्ते महीने में परिवर्तित हो जाते हैं और महीने सालों में परिवर्तित हो जाते हैं। समय को बीतने में देर नहीं लगती, लेकिन सवाल हमारे सामने यह है कि यह चतुर्मास में हमने किया क्या, प्राप्त क्या किया यह चतुर्मास में। यदि चार महीना आराधना साधना करने के बाद, यदि चार महीने धर्म ध्यान करने के बाद, यदि चार महीने दान करने के बाद, यदि चार महीने तप और त्याग करने के बाद, यदि चार महीने भीतर में जाने की प्रक्रिया करने के बाद में भी आपके हाथ में कुछ नहीं है, तो समझना यह चतुर्मास आपके लिए निरर्थक है। चतुर्मास सार्थक तब ही है जब आपने कुछ पाया। शास्त्रकार भगवान तो यहां तक कहते हैं कि चार महीने की बात तो बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत दूर की है। प्रतिदिन आदमी यह सोचे कि आज का 24 घंटा मेरे निकल गए, आज के 24 घंटे मेरे निकल गए, मैंने पाया क्या, खोया क्या, मैंने हासिल क्या किया, मैंने प्राप्त क्या किया, कुछ मिलाया नहीं मिला, आज का दिन यह सोचने का दिन है। परिवर्तन यदि आपके भीतर आया है तो यह चतुर्मास आपके लिए सार्थक है, और आप में थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया तो यह चतुर्मास आपके लिए निरर्थक है। थोड़े तो बदले, मैं कहता हूं 0.1%, 1% भी नहीं, 100% में से 1% की भी बात नहीं करता, मैं कहता हूं 0.1% भी आपके भीतर में बदलाव आया तो समझ लेना कि यह चतुर्मास आपके लिए सार्थक है। क्यों सार्थक है? क्योंकि बदलाव आने की शुरुआत हुई है। तो आज 0.1% है, वहां से 1% भी होगा और वहां से 100% भी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलाव होना शुरू हुआ। हम बदलना चाहते हैं और हमारे में बदलाव शुरू हुआ, यह सबसे बड़ी पंक्ति। हम थोड़ा बदल गए, थोड़ा चेंज हो गए, थोड़ा अपने आप को बदल लिया, थोड़े दुर्गुणों को कम कर दिया, थोड़े सद्गुणों को बढ़ा दिया, थोड़ा क्रोध कम कर दिया, थोड़े क्षमा के भावों को बढ़ा दिया, थोड़ा पकड़ने की भावना को कम कर दिया, थोड़ा लेट गो नेचर बढ़ा दिया, थोड़ा अहंकार को तोड़ दिया, थोड़े नम्रता के भावों को बढ़ा दिया, थोड़ा कपट छोड़ दिया, थोड़ी सरलता को बढ़ा दिया, थोड़ा लोभ छोड़ दिया, थोड़ी उदारता को बढ़ा दिया। यह संतुष्टि यदि आपको मिलती हो आज के दिन, तो समझना हमारे लिए यह चतुर्मास सफल हुआ। सबके अपने अपने विचार है, सबका अपना अपना जीवन है। हम ये जज नहीं कर सकते कि सामने वाले में कितना परिवर्तन आया, सामने वाला बदला या ना बदला, उसके भीतर में कोई बदलाव आए या ना बदला, लेकिन उसके भीतर में कोई बदलाव आए या ना आए, लेकिन हम ये जरूर सोच सकते हैं कि हम कितने बदले, हमारे में कितना बदलाव आया। और मैंने तो पहले दिन से कहा था, जब से चतुर्मास शुरू हुआ तब से मैं प्रतिदिन कहता आया हूं कि यह चतुर्मास भीतर में जाने की साधना है, क्योंकि हमारे यहां तो लिखा गया मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, समझना मैं भीतर गया, मैं भी तर गया, मैं भीतर गया, मैं भीतर गया, कौमा कहां लगा है यह सोचना। यह चतुर्मास भीतर में जाने की परंपरा है, यह चतुर्मास गहरे जाने की परंपरा है, यह चतुर्मास खुद को जानने की परंपरा है, यह चतुर्मास ये खुद को जानने का अवसर है। और यदि चार महीने परिपूर्ण होने के बावजूद भी यदि आप अपने आप को थोड़ा सा भी न जान पाए, तो यह चतुर्मास में हमने किया क्या, सोचना आज बैठ के क्या बदला। और बदलाव आप में जरूर आया होगा, आप जरूर बदले हैं, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यह बदलाव को कंटिन्यू कर देना, उसको छोड़ना मत। किसी की दिनचर्या में बदलाव आया, जो कभी किताब नहीं पकड़ते थे वो एक घंटा बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं,
किसी के व्यवहार में बदलाव आया, किसी के स्वभाव में बदलाव आया, किसी की उदारता में बदलाव आया, किसी के क्रोध में बदलाव आया, आप में बदलाव आया है। क्योंकि 120 दिन तक आपने प्रवचन सुने हैं, भीतर में कुछ ना कुछ गया है। और समझना, पानी यदि पत्थर पे भी रोज पड़ता रहे तो पत्थर भी टूटता है। कुछ ना कुछ तो बदलाव आपके जीवन में आया है और आया होगा, ये मैं मानता हूं। लेकिन मैं आपसे ये आज के दिन कहना चाहता हूं, वह बदलाव को पकड़ के रखना, छोड़ मत देना। छोड़ दोगे तो अगले चतुर्मास से वापिस एक से शुरू करना पड़ेगा, और यदि पकड़े रहे तो अगले चतुर्मास से आप जहां पहुंचे हो वहां से शुरू करना पड़ेगा। दिक्कत यह होती है कि हर साल चतुर्मास आता है, आप थोड़ा सा बदलते हो। मैं नहीं कहता कि आप में बदलाव नहीं आता, मैं ये नहीं कहता कि आप बदलते नहीं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप बदलाव को पकड़ के नहीं रखते। जैसे कि कई लोगों ने इस बार मासिक श्रवण किया, 30-30 दिन तक भूखा रहना कोई छोटी बात नहीं है। 30 दिन तक पेट में एक अन्न का दाना भी न जाए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो 30 दिन के बाद जिन्होंने तप को पकड़ के रखा, उसके लिए मासिक श्रवण सार्थक हो गया। और जो वापस रूटीन में आ गए, उसके लिए मासिक श्रवण जैसे थे वैसे ही हो गया। बदलाव को पकड़ के रखना ये बड़ी आवश्यकता है। आप पकड़ के नहीं रख सकते। आप 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बदलते हो, वापिस जैसे थे वैसे हो जाते। मैं आज चतुर्मासी 14 के दिन आपको यह कहना चाहता हूं कि जीवन में बदलाव को पकड़ के रखो। छोटा सा भी बदलाव, आप में एक भी चेंजेस आया है उसको पकड़ो। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बड़ी शिद्दत से आपने मन को तैयार किया होगा छोटे से बदलाव को करने के लिए। इजी नहीं है, मैं मानता हूं। आपकी जो रूटीन दिनचर्या, आपकी जो रूटीन लाइफ है, वहां से निकल के कुछ बदलना, कुछ अपने आप में बदलाव लाना इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल है। वह मुश्किल काम आपने कर लिया है, वह मुश्किल काम को आपने जो पुरुषार्थ किया है उसको वेस्ट मत जाने देना, उसको पकड़ के रखना। तो ये चतुर्मासी 14 की आराधना हमारे लिए सार्थक बनेगी। बदलाव को जिसने पकड़े रखा उसका कल्याण होगा। बदलाव को जिसने ग्रहण कर लिया उसका कल्याण हो गया। और जो वापस जैसे थे वैसे के वैसे ही हो गए, तो समझ लेना कि कल्याण की कोई गुंजाइश हमारे जीवन में नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं आया। तो फिर यह चतुर्मास में हमने किया क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना, आप यदि संपत्ति किसी को देते हो तो सोचते हो कि उसका फल हमें क्या मिला। 10 रुपए की नोट आप दुकानदार को देते हो तो सोचते हो कि वह 10 रुपए के बदले मुझे सामने क्या मिलेगा। तो मैं आपको आज चतुर्मासी 14 के दिन यह कहना चाहता हूं कि आप जहां 10 मिनट लगाते हो, जहां समय देते हो, वहां सोचो कि यहां से मुझे क्या मिलेगा। संपत्ति का खर्च करने में जितना विचार करते हो, जितना सोचते हो, उतना यदि समय का खर्च करने में आप विचार करने लग जाओ तो आपका कल्याण। संपत्ति बहुत सोचकर आप खर्च करते हो, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करते, उसमें कोई पागलपन नहीं करते, उसमें कुछ व्यर्थ नहीं करते। लेकिन समय का इस्तेमाल आप सोच समझ के नहीं करते, और समय का फल आप सोचते नहीं कि यहां मैं समय इन्वेस्ट कर रहा हूं या समय खर्च कर रहा हूं तो मुझे सामने मिलेगा क्या, ये सोचते नहीं हो। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज चतुर्मास परिवर्तन का जब अवसर आएगा तब हमें सोचना है। जब चतुर्मासी 14 का अवसर आया है तब हमें सोचना है कि हमने 4 महीना जहां समय लगाया हमने पाया क्या, और यदि पाया तो उसको छोड़ना क्यों, उसको पकड़ के रखना। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो छोटा सा भी बदलाव आपके जीवन में आया हो उसको पकड़ के रखना। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।